हेलो फ्रेंड्स, टैली ट्यूटोरियल सीरीज की इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस शीट को हम क्यों बनाते हैं, बैलेंस शीट में किस टाइप के लेजर की पोस्टिंग करते हैं और बैलेंस शीट बनाते समय हम लोग को किस बातों का ध्यान रखना होता है, इन सारी चीज़ों का डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। बैलेंस शीट के बारे में बातें करने से पहले हम इस सीरीज के बारे में बात कर लें, जो हम लोग का कंप्लीट टैली ट्यूटोरियल सीरीज जो चल रहा है, इसमें जितने भी वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ उस वीडियो के बारे में थोड़ी सी बातें कर लें। इसमें वो जितने भी वीडियो है आपको लो लेवल से एडवांस लेवल तक का टैली आपको सिखा देगा, टैली में कहीं कोई दिक्कत ना हो। कुछ वीडियो आप लोग को लग रही होगी बहुत आसान है, या कुछ वीडियो में आप लोग को लगता हो कि नहीं ये चीज़ आता है, लेकिन फिर भी आप उस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कुछ न कुछ नया नॉलेज जरूर मिलेगा। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं शिव आइडियल टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। यदि आप हमेशा अकाउंटिंग मटेरियल डिजाइनिंग प्रॉब्लम वेब डेवलपिंग में मास्टर होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम सीखते हैं पहले बैलेंस शीट क्या होता है। बैलेंस शीट का डेफिनेशन के बारे में अगर हम बात करें तो बैलेंस शीट, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि बैलेंस शीट एक तरह का स्टेटमेंट्स होता है, तो ये हमारा बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट्स इन ए पार्टिकुलर डेट शोइंग ऑन वन साइड ट्रेडर्स प्रॉपर्टी पोजीशन। यानी बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है जो कि ट्रेडर्स की प्रॉपर्टी या पोजीशंस, उसके जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, यानी आप हम कह सकते हैं कि उसके जितने भी एसेट्स हैं उनको एक साइड शो कराता है और उसके ऑन अदर हैंड द लायबिलिटीज, और जो भी लायबिलिटीज होता है उसको दूसरे साइड शो करता है। तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि बैलेंस शीट एज ए सिंपल स्टेटमेंट, देयर आर टू बोथ साइड, यानी दो साइड्स होते हैं, जो पहला किसी भी बिजनेस के ट्रेडर्स की प्रॉपर्टीज और उसके पोजिशंस को शो करता है, यानी एसेट्स को शो करता है, और दूसरा साइड लायबिलिटीज। अब हम बैलेंस शीट में कौन कौन सा अकाउंट्स की पोस्टिंग करते हैं या बैलेंस शीट में कौन कौन सा अकाउंट हम लोग लिखते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। अगर हम फॉर्मेट की बात करें बैलेंस शीट का, तो ये हमारे सामने एक इसका फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, जो कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे। ये हमारा बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है, ये इसमें लायबिलिटीज है और ये हमारा एसेट्स है। अब इसमें करेंट लायबिलिटीज में पहला ऑप्शन है बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग, अनअर्न इनकम, ये सारी चीज़ें करेंट लायबिलिटीज के अंतर्गत आते हैं, तो जिसको हम लोग लेफ्ट साइड लिखते हैं। अब कुछ हमारे फिक्स्ड लायबिलिटीज होते हैं, जैसे कि जो भी हम एक लॉन्ग टर्म्स लोन लेते हैं उनको हम लोग इसके अंदर लगते हैं। रिजर्व जो होते हैं, अब रिजर्व में कौन कौन से होते हैं, पहले हम लोग कैपिटल लिखते हैं। कैपिटल साथ कुछ अमाउंट्स को पहले हम लोग जोड़ते घटाते हैं, जैसे नेट प्रॉफिट को जोड़ना हुआ, ड्राइंग को घटाना हुआ, इनकम टैक्स को घटाना हुआ, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को घटाना हुआ, तो ये सारी चीज़ें हम कैपिटल के साथ करके जो अमाउंट बचता है उसको हम लोग सामने लिखते हैं। फिर नेक्स्ट है करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में कैश इन हैंड, जो हमारा एसेट साइड लिखा जाता है वो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, सन्डी डेब्टर्स, क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो भी होते हैं या एक्रूड इनकम्स होते हैं, वो सब सारी चीज़ें करेंट एसेट्स के अंतर्गत लिखा जाता है। फिर उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट्स, फर्नीचर्स, लूज टूल्स, मोटर व्हीकल्स, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग्स, पेटेंट्स या गुडविल्स, ये सारे चीज़ें हमारे बैलेंस शीट्स के राइट साइड में होता है। तो इस तरीके से इसका बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। अब हम एक क्वेश्चंस देखते हैं कि इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमें कैसे क्या होता है। तो अब अगर हम एक एक्सरसाइज हम आपको दिखाते हैं, एक क्वेश्चंस है जो कि हम आपको बैलेंस शीट बना के दिखाते हैं। इस क्वेश्चंस में अगर बात करें तो देखिए, एक 31 दिसंबर 1993 का
हमें उस स्टेट को बैलेंस शीट बनाना है जिसका प्लांट एंड मशीनरी देख रहे हैं 80,000 है, बिल्डिंग एंड लैंड ये है, फर्नीचर आपका ये अमाउंट है, कैश इन हैंड है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, डेबिटर्स एंड क्रेडिटर्स से बिल्स रिसीवेबल्स और बिल्स पेबल्स है, क्लोजिंग स्टॉक्स, इन्वेस्टमेंट कैपिटल, इस तरीके से आपका बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी है आपको इसका हमें बैलेंस शीट बनाना है। तो बैलेंस शीट बनाना तो यानी इसका मतलब कि हमें इस फॉर्मेट में उस क्वेश्चन को सेट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। अब हमारा देख रहे हैं पहला है प्लांट एंड मशीनरी, ये एसेट साइड में जाएगा। देखिए प्लांट एंड मशीनरी हमारा एसेट साइड में लिख दिया गया है, ये एसेट साइड में। नेक्स्ट है हमारा लोन्स एंड लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी एसेट साइड में है। तो देखिए लैंड एंड बिल्डिंग 60,000। फिर उसके बाद क्या फर्नीचर है, ये भी हमारा फिक्स्ड एसेट्स है, देखिए ये भी एसेट्स है, तो 15,000 इस साइड से आया। ओवरड्राफ्ट कैश इन हैंड, ये भी हमारा एसेट्स है, तो कैश इन हैंड देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेबिटर्स एंड क्रेडिटर्स 32,000, सॉरी उसके ऊपर है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे कंपनी का लायबिलिटीज होता है, तो इसलिए देखिए ये लायबिलिटीज साइड लिखा गया है। डेबिटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेबिटर्स का जो अमाउंट है डीआर साइड वाला है, तो 32,000, तो जो कि हमारा एसेट्स होता है, क्योंकि डेबिटर्स के अंदर हमारे कस्टमर्स आते हैं, कस्टमर में जो बकाया है वो हमारी संपत्ति एसेट्स होती है, इसलिए हमें एसेट साइड लिखेंगे। फिर हमारा है क्रेडिटर्स जिसमें 6,000, और ये हम इस साइड लिखेंगे क्रेडिटर 24,000। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, तो हमारा है बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल, तो हम देख सकते हैं बिल्स रिसीवेबल और बिल्स रिसीवेबल जिसको हम 60 पाउंड में बीआर बोल सकते हैं। बिल्स रिसीवेबल के अंदर वो वह बिल्स आते हैं जिन्हें हमें लेना होता है, एंड वो भी एक तरह का एसेट्स हुआ। देखिए बीआर एसेट साइड में 10,000। फिर बिल्स पेएबल जो हमारा है वह जो देना है करेंट लायबिलिटीज़, तो हम यहाँ से देखिए बीपी है 6,000। अब उसके बाद है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक भी हमारा इस साइड जाता है। देखिए यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है एसेट साइड। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमारे एसेट्स है, तो देखिए इन्वेस्टमेंट 8,000। कैपिटल, कैपिटल हमने लिखा 1.5 लाख, लेकिन कैपिटल के साथ हमें नेट प्रॉफिट दिया है तो जोड़ना है, अगर नेट लॉस दिया होता तो उसको घटाना, तो नेट प्रॉफिट हम माना जुड़ा तो 2,12,000 आया, इसमें से ड्राइंग को घट जाएगा तो ड्राइंग को घटा तो हमारा 1,99,000 आया। अब इन दोनों साइड्स को हम जोड़ेंगे, जोड़ने पर देखिए इन दोनों अमाउंट्स बराबर आ रहा है। यदि अगर अमाउंट्स बराबर नहीं आ रहा है तो कहीं कहीं कोई आपने पोस्टिंग गलत कर दिया है, किसी को लायबिलिटीज़ को एसेट्स में और एसेट्स को लायबिलिटीज़ में, एक गलती ये हो सकती है, या दूसरा गलती हो सकती है कि जो नेट प्रॉफिट है वह सही नहीं बना हो। इस क्वेश्चन में तो नेट प्रॉफिट दिया होगा, दिया है, इसलिए गलत होने का तो चांसेस नहीं है। फिर भी यदि आप पूरा ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट किसी ट्रायल बैलेंस के थ्रू बनाते हैं तो वहाँ पे चांसेस होता है कि अगर ट्रेडिंग गलत होगा तो नेट प्रॉफिट गलत आएगा, नेट प्रॉफिट गलत आएगा तो बैलेंस शीट गड़बड़ाएगा, बड़े ध्यान से करना है। यदि अगर आपका बैलेंस शीट में दोनों साइड मिल गए तो आप जैसा खुश नसीब कोई नहीं। ओके, तो खुश नसीब करने का मतलब कि आपका मेहनत सफल हो गया, ये दोनों साइड्स मिलना है। तो इस वीडियो में इतना ही, ये वीडियो कैसे लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, दोस्तों को बीच में शेयर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।